समुद्र में दो किनारे होते हैं, एक किनारे पर आप खड़े होते हैं तो क्या दूसरा किनारा दिखता है? जब आप एक किनारे पर खड़े होते हैं तो क्या एक किनारे पर खड़े होने से समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई पड़ता है? बोलो नहीं। अच्छा नहीं दिखता, इससे क्या यह सिद्ध होता है कि दूसरा किनारा नहीं है? बोलो दूसरा किनारा है पर हमें नजर, हाँ दूसरा किनारा है पर हमें नजर नहीं आता। उसी तरह यदि जीवन में हम हैं तो मृत्यु भी दूसरा किनारा है, और जीवन है तो मृत्यु दूसरा किनारा, और मृत्यु है तो जीवन दूसरा किनारा। ये दो किनारे की जिंदगी है, कभी इस किनारे पर कभी उस किनारे पर। इसलिए कहता हूं कि यहां के बाद भी दूसरा किनारा है, यही संपूर्ण ना मानो। कुछ लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, कर्जे का घी पियो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कर्जा ले लेके घी पियो मौज करो खाओ पियो। क्या किसने देखा? ना जी, तुम्हें यहां नजर ना आए पर किनारा दूसरा है। तो ये मृत्यु लोक है, ऐसे ही एक स्वर्ग लोक नरक लोक है जहां कर्मों का हिसाब होता है। वहां क्या होता है हमारे यहां? अब जैसे ये बताओ, आपकी दुकान होगी, आपका बिजनेस होगा, आपका कारोबार होगा, आप किसान भी हो सकते हैं आपका। तो देखो दिन भर होता है काम और शाम को होता है हिसाब, या फिर 30 दिन होता है, 29 दिन होता है काम, 30वें दिन महीने के आखिरी में होता है हिसाब। जैसे सरकार का साल भर का हिसाब लेखा जोखा मार्च में हो जाता है ना? तो हिसाब कब होता है? या तो दिन के अंत में मतलब शाम को, या तो महीने के अंत में, या तो वर्ष के अंत में। उसी तरह आपका ये जो जीवन है इसका हिसाब होगा। लोग कहते हैं अंत हो, अरे फलाने चले गए, फलाने का अंत, वो अंत नहीं है, वो अंतिम महीना का हिसाब देने गए हैं। जीवन भर का जो कमाया किया धरा था वो सबका हिसाब देके फिर आएंगे वापस। लोग कहते हैं मर गए, मरा कोई नहीं, हिसाब देने गए हैं। अब हिसाब किताब जैसा निकलेगा वैसा फिर वो आएंगे जाएंगे। हिसाब क्लियर है तो मुक्ति, हिसाब को तो उलझा है तो जाओ फिर चुकाओ, फिर 84 के चक्कर में पड़ो, जन्म मृत्यु का चक्कर काटो। यदि हिसाब उलझा है तो जन्म मृत्यु फिर मिलेगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जडरे शयनम। और यदि हिसाब क्लियर है, न लेना बचा न देना बचा, क्यों जी, जो लेने और देने से मुक्त हो गया उसी की तो मुक्ति होती है, वही तो मुक्त है। जिसका हिसाब क्लियर है उसकी मुक्ति मोक्ष, वही मोक्ष है। और जिसका बचा है कुछ, जैसे आप लोग की पड़ोसन आपको कुछ गाली दे दे, पड़ोसी कुछ गाली दे दे, ये आपका कोई 5,000 रुपए खाके और ना चुकाए, आप क्या कहें? अरे मेरा पैसा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, बड़ी पड़ोसन ने गाली दी, बड़ी दुष्ट है, मैं भी गाली दूंगी, मौका ढूंढ रहे हैं। आपने किसी को कुछ कह दिया, उसके प्रति आपको ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या इसके अंदर, इसके प्रति ईर्ष्या द्वेष छल कपट, तो ये हिसाब अब आप ईर्ष्या है आपकी पड़ोसन के लिए, और तभी आप मर गए तो आपको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्या लेके मरे हो तो वो ईर्ष्या का हिसाब किताब अभी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप, जैसे आजकल ना लोग पैसे बहुत खा लेते हैं, जैसे आपने किसी को 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, तो सामने वाला देते ही नहीं है, उसे लगता है इनके पास तो बहुत है, क्या चुकाना, नहीं चुकाता। अब वो मर जाएगा तुमसे 5,000 या 2,000 या 2 रुपए लेके, यदि मर गया तो मर तो गया लेकिन हिसाब किताब रह गया, वो 2 रुपए चुकाने उसे फिर आना पड़ेगा। 2 रुपए भी यदि शेष है तो उसे चुकाने, बोलो, फिर आना पड़ेगा, चाहे कुत्ता बनकर आए, चाहे बिल्ली बनकर आए, चाहे गधा बनकर आए, चाहे इंसान बनकर आए, जो बनकर आएगा वो भगवान तय करेंगे, आएगा और चुकाएगा, और चुकाते चुकाते फिर किसी का ले लिया तो फिर ऋणी फिर चुका। यही चक्कर में हम लोग पड़े हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल क्लियर करके जाना सबका, ना लेना एक ना देना दो।
ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना तो छल, ना तो कपट, ना बदले की भावना। जैसे मैंने आपसे बदले की भावना रखी, आपने मुझे दो थप्पड़ मारा और मैंने मार नहीं पाया, तो बदले की भावना मैं भी मारूंगा और मारूंगा मारूंगा, मार नहीं पाया मारूंगा और तभी मर गया मैं, तो भैया वो भावना तो थी ना, तो वो हिसाब चुकाने फिर आना पड़ेगा आपको मारने के लिए किसी ना किसी जन्म में। इस खेल को समझ नहीं पाते, इसलिए जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु मैं उलझे। और मुक्ति कौन, इसलिए कहते हैं संत लोग कैसे, संतों को आप दो चार छप्पड़ कोई मार देना तो संत कोई ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, जा भगवान तेरा भला करे, मतलब वो हिसाब किताब नहीं रखना चाहते, ना वो किसी का खाते हैं कर्जा, कोई दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, तूने राम राम कर लिया तो तेरा भला, नहीं किया तो तेरा भला, तू मेरा सम्मान कर तो अच्छा, अपमान कर तो अच्छा, ना सम्मान चाहिए मुझे ना ना अपमान मेरा कुछ बिगाड़ेगा, ना सम्मान मुझे कुछ खुशी देगा, मतलब मैं दोनों से परे, ऐसी भावना जिनकी हो वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ना ईर्ष्या लेके मरो, ना द्वेष लेके मरो, ना छल लेकर मरो, ना कपट लेकर मरो, ना कर्जा लेकर मरो, और यदि कोई लिया है और नहीं दिया तो माफ कर दो, जा भैया। अब यदि आपका लिया है और दे नहीं रहा है और आपको लगा कि अब तो देगा ही नहीं, तो फिर आपको भी अगले जन्म में आना पड़ेगा उससे उगाही करने के लिए, आपका तो है ही ना हिसाब, इसलिए इसका उपाय ये है कि भैया जा भगवान तेरा भला कर, क्षमा किया जा, अब मैं तेरे ऋण से उऋण हो गया, अब तू जान तेरा काम जाने, हे प्रभु अब मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। ये सिंपल, यदि आपने मेरे 1,00,000 रुपए खाए हैं और आपने मुझे चुकाया नहीं और मेरी इच्छा है कि आप मुझे दो, और यदि आपने दिया नहीं और मैं इच्छा लिया हूं कि आप देंगे और तभी मृत्यु हो गई, तो फिर वो 1,00,000 लेने के लिए मुझे अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, वो आपको तो देना पड़ेगा, आपके बाप को देना पड़ेगा, भगवान तो चुकवा लेते हैं किसी ना, तो मैं गधा बना देंगे अगले जन्म में, ढोते रहना बोझा, वो चुकाना तो पड़ेगा, कुत्ता बना, आजकल आप लोग कुत्ता पालते हो, ये कुत्ता कौन है, ये सब तुम्हारा खाए थे कर्जा इसलिए कुत्ता बन के चुका रहे हैं, तुम कह रहे हो ना हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, अब काहे ना रहे ईमानदार, खाया है तुम्हारा, हमने तो कोई कुत्ता नहीं रखा क्योंकि हमारा कोई खाए ही नहीं है ना, सब आजकल जो कुत्ते रखने का है ना, ये सब कुत्ते क्यों, ये सब तुम्हारा खाए हैं किसी जन्म का, आप ना खाना नहीं, आपको भी किसी के घर का कुत्ता बनना पड़ेगा, लिए हो तो वापस कर दो। तो आज से सिद्धांत बनाओ, ना लेना 1, ना देना 2। कौन कौन इस सिद्धांत पे रहेगा, आज से अमल करेगा, अपने आप को ना ऋण मुक्त बनाओ, ना ईर्ष्या का ऋण रहे, ना द्वेष का ऋण रहे, ना छल का ऋण रहे, ना कपट का, ना निंदा का, ना चुगली का, ना कर्जा रहे, बिल्कुल निष्कपट निष्काम, प्राण निकलते समय बिल्कुल आप खुशी खुशी जाए, कोई इच्छाएं ना रह जाए, एक इच्छा रह जाए केवल भगवान के दर्शन की, केवल भगवान के दर्शन की इच्छा रह जाए, शेष कोई झंझट नहीं।